इफ्तार पार्टी पे ये पूरा मसला खड़ा हो गया। रात्रि में यहाँ पर लिख दिया गया कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो, अभी कश्मीर तो झाकी है, पूरे भारत की बाकी है, ऐसे चीज यहाँ की दीवारों पर लिखे जा रहे हैं। ये क्या संदेश? ये नहीं मानते कश्मीर भारत का पार्ट है, ये नहीं मानते हैं, ये नहीं मानते हैं कि कश्मीर भारत का पार्ट है। ये सब हो रहा है ना, धर्म जाति विशेष, ऐसा कभी हुआ है पहले कि इफ्तार पार्टी बीएच में कभी नहीं हुई है? इसकी तो जानकारी नहीं है, लेकिन इफ्तार पार्टी बीएच में कभी होना नहीं चाहिए। कि इसमें कुछ गलत है या सही है, आप अपने अपने तर्क नीचे कमेंट सेक्शन में जुटाएं। प्रोटेस्ट चल रहा है भाई यहाँ पे, और देखते हैं किस चीज का प्रोटेस्ट चल रहा है, कुछ भी मालूम नहीं है, एकदम अनस्क्रिप्टेड है, देखते हैं क्या क्या चीज है। क्यों चल रहा है प्रोटेस्ट? ये जो हमारे विशी साहब है, इन्होंने इफ्तार पार्टी किया आधारित तौर पे, जो कि कभी पहले यहाँ हुआ नहीं है। हालांकि इन्होंने परंपरा बनाई है और इसके खिलाफ हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। इफ्तार पार्टी पे ये पूरा मसला खड़ा हो गया है। मसला इफ्तार पार्टी का नहीं है, मसला ये आप आधिकारिक तौर से इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, पर्सनल कुछ भी कीजिए, लेकिन ये थोड़ी आप आधिकारिक। दीवारों पर भी कुछ कुछ लिख दिया गया था, आप जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास है, बिरला छात्रावास, उसके सामने रुहिया की दीवार है, उस पे बहुत ही आपत्तिजनक भाषा का इस प्रकार से लिखा गया कि मैं कैमरे पे आपको बता भी नहीं सकता। तो और वीसी साहब के तरफ से अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। वीसी साहब जा रहे हैं, इफ्तार पार्टियां कर रहे हैं, तो ये विश्वविद्यालय की संस्कृति पहले कभी नहीं रही है। इफ्तार पार्टी करना गलत बात है, ये पार्टी करना गलत बात नहीं है। जो विश्वविद्यालय के वीसी के पद पे है, उस व्यक्ति का सांकेतिक समर्थन और उनके द्वारा आयोजन, ये गलत बात। यहाँ पर हमारे छात्रावास है, रुहिया छात्रावास, जहाँ उस छात्रावास का 100 साल पूरा हो रहा है, वहाँ पर शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। कुलपति जी को बोला गया था कि आप यहाँ पर आइए विशिष्ट अतिथि के रूप में, लेकिन वो बोले हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं वहाँ पर नहीं आ सकता हूँ। और इफ्तार पार्टी में जाने के लिए इनके पास समय है, लेकिन यहाँ के जो एकेडमिक कार्यक्रम है उसमें आने के लिए इनके पास टाइम नहीं है। यहाँ पर आप ब्राह्मणों के विरोध में लिख रहे हैं, आप किसी एक समुदाय के विरोध में लिख रहे हैं। स्टूडेंट लाइफ पे आज जाति और धर्म विशेष पे बातें करने वाले हैं, कई यहाँ पे मीडिया लोग आए हैं, और ये पूरा मजला उसी लिए है। हाँ, ये उसी के लिए है। यहाँ पर देखिए, मुख्य मुद्दा ये है कि यह एक शैक्षणिक संस्थान है, इसको आप किसी धर्म का अखाड़ा नहीं बना सकते ना। अच्छा, यहाँ अगर आप यहाँ पर किसी इफ्तार पार्टी आप किसी एक जगह पर आप आयोजन करेंगे, उसमें आप शामिल हो रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो एकेडमिक कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें आप शामिल नहीं हो रहे हैं। आप उससे कह रहे हैं कि आपका टाइम नहीं है, मुझे दिल्ली जाना है, बताइए, जबकि 100 वर्ष छात्रावास का पूरा हो रहा है, वहाँ पर आपको आना चाहिए। रामनवमी का ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने? ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर कब से प्रारंभ हुआ, कल रात्रि में ऐसा हुआ, और जस्ट रात्रि में यहाँ पर लिख दिया गया कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो, अभी कश्मीर तो झाकी है, पूरे भारत की बाकी है, ऐसे चीज यहाँ की दीवारों पर लिखे जा रहे हैं। ये क्या संदेश क्या देना चाह रहे हैं? एक महामना, उनकी एक जो सपना था महामना का, वो चाहते थे कि मतलब सभी धर्म जो दबे कुचले जो लड़के हैं, लेकिन महामना का सपना ये थोड़ी था कि इफ्तार पार्टी बीएचयू में कभी ना हो। नहीं, वो ये चाहते थे कि आप हमेशा परंपरागत होता ही मिलकर एक साथ पढ़े। शिक्षालय पे स्लोगन लिखे हुए हैं, सारा आपको एफिडेविट में सारा चीज को उपलब्ध करा दिया जाएगा। और स्लोगन लिख दिया गया दीवारों पे, एक लोग दिखा रहे थे दीवार वाला, सही है बात? बिल्कुल सही है। कश्मीर पे भी लिखा गया, कश्मीर, बिल्कुल, कश्मीर भारत बनेगा, कश्मीर ये लिखवा जाता है स्लोगन, भारत बनेगा कश्मीर, कश्मीर तो भारत ही है, ये इनकी मानसिकता है। ये नहीं मानते कश्मीर भारत का पार्ट है, ये नहीं मानते हैं, ये नहीं मानते हैं कि कश्मीर भारत का पार्ट है, ये ब्राह्मणवाद को नहीं मानते। मैं नहीं मानता किसी जातिवाद को, मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन जिसने इस विद्यालय को बनाया, मैं भारत सरकार की बात करता हूँ, जिस आलाकमान ने इनको यहाँ भेजा है, मैं उस आलाकमान की बात करना चाहता हूँ। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से और मुख्यमंत्री योगी जी से कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि योगी जी या मोदी जी, आप जैसे आलाकमान को आपने यहाँ भेजा है, वो विश्वविद्यालय, आपके पास बजट में ऐसा कोई फंड नहीं है कि आप विश्वविद्यालय बना सकें। अगर ऐसा विश्वविद्यालय बना है, आप उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं, छात्रों को लड़ाने की बात कर रहे हैं, मतलब धर्म पे यहाँ पे आज लड़ाई हो रही है बीएचयू में। क्या सर बताइए, ये सब हो रहा है? अरे भाई साहब बताइए, धर्म पे आज ये सब हो रहा है ना? हाँ। धर्म जाति विशेष, ऐसा कभी हुआ है पहले कि इफ्तार पार्टी बीएचयू में कभी नहीं हुई है? इसकी तो जानकारी नहीं है, लेकिन इफ्तार पार्टी बीएचयू में कभी होना नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदू विश्वविद्यालय है, और हिंदू विश्वविद्यालय में इफ्तार पार्टी, अजान, रमजान, इन सब का कोई औचित्य नहीं है। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हमारे भाइयों को रमजान के महीने में कष्ट उठाना पड़ता है, मेस नहीं चलता है, और उनके साथ बहुत ज्यादती की जाती है। तो यहाँ का माहौल वैसा नहीं है, लेकिन यहाँ के प्रशासन द्वारा इस तरीके का जो नया माहौल बनाया जा रहा है, इस्लामीकरण किया जा रहा है परिसर का, यह नहीं किया जाता है कतई। धन्यवाद।
देख सकते हैं, आइए दिखाइए दिखाइए ये पूरा जो भी सारी चीजें चल रही हैं, वो इफ्तार पार्टी बीएचयू में की गई थी। उस पर पूरी कहानी है कि बीएचयू में इफ्तार पार्टी नहीं की जा सकती, ऐसा छात्र बोलते हैं। और ऐसा छात्र बोलते हैं तो ऐसा वीसी को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? क्या बीएचयू जैसे जगहों पे इफ्तार पार्टी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ गलत है या सही है? आप अपने अपने तर्क नीचे कमेंट सेक्शन में जुटाएं और हम उस पर चर्चा करेंगे। कुछ कुछ हमें मालूम चलेगा, कुछ जनता को मालूम चलेगा, कुछ उन छात्रों को मालूम चलेगा, वो प्रोफेसर कमेंट में लिखें जो इसके मत में है मत में नहीं है। प्रोफेसर कहाँ हैं, कहाँ सोए हैं, कुछ मालूम नहीं चलता। बीएचयू के प्रोफेसर उठें और थोड़ा मार्गदर्शन दें, छात्रों को बताएं कि क्या इफ्तार पार्टी सही में होने लायक है कि नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि बीएचयू के छात्र बोलते हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है और ये इस इफ्तार पार्टी को लेकर के बहुत ज़्यादा खुश हैं। बोलते हैं कि आप लोगों की हिंदुत्व की जो राजनीति है वो कब्र में गाड़ दी जाएगी, कब्र में गाड़ दी जाएगी। ऐसा तो चीज़ों को ध्यान दीजिए और बताइए, एक राय हमें जानने की कोशिश है। छात्र मेंटोर चाहते हैं और आप व्यूअर से अच्छे और कोई नहीं है। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। हिमांशु मिश्रा जल्दी मिलेगा एक नए वीडियो में, नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।